कितनी देर लगेगी भाई? सर 5-10 मिनट लगेंगे। याद रख जल्दी कर लो, देर हो रही है। ओके सर, कर रहे हैं। आपने मेरा इंतजार भी नहीं किया, खामोशी से ही चली गई। और जब मैं आई तो आपने मेरा चेहरा तक नहीं देखा। जरा माँ खुश थी तुमसे, कहती थी जारा ने मेरी बात मान के हमेशा के लिए मेरा दिल जीत लिया। मेरा सर झुकने से बचा लिया, मेरी इज्जत रख लिया। मैं अपनी बेटी से राजी हूँ। अम्मा ने अपनी जिंदगी में कभी तुम्हें रोने नहीं दिए। तुम इस तरह रोगी तो उन्हें तकलीफ होगी। प्लीज अपने आंसू साफ कर लो। भाभी बता रही थी, मामा आपने आखिर के दिनों में खाला को बहुत याद कर रही थी। आपने सुहेल भाई को इन्फॉर्म किया था? वो हमारे क्या लगते थे जो हम उन्हें इतला करते। मामा ने अपनी जिंदगी में सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। इसी बात का तो रोक लगा लिया था मामा ने दिल पर। मुझसे जब भी फोन पर बात करती थी तो हाला को जरूर याद करती थी। अभी अचानक खामोश हो जाया करती थी। ये वहम है तुम्हारा। मेरे सामने माँ ने कभी उस झूठे खानदान का जिक्र भी नहीं किया। आपके गुस्से की वजह से मोहतात रहती थी ना, वो जरूर याद करती थी। सारा कम से कम तुम तो ऐसी बातें नहीं करो। उस तैमूर ने जो तुम्हारे साथ किया मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कब्रिस्तान में मिला था वो मुझे। तो अम्मी की जनाजे की हुरमत का मुझे ख्याल आ गया, वरना मैं उसका वो हाल करता कि वो खुद को पहचान नहीं पाता। तैमूर आया था? कब्रिस्तान में था, शायद अपनी माँ की कब्र पर आया होगा। उससे उलझा के माँ का चेहरा देखना।
मैंने भी एक झलक नहीं देखने दी उसे। झूठा इंसान जो उनकी जिंदगी में रिश्तों का ख्याल नहीं रख सका, बाद में झूठी मोहब्बत का क्या फायदा। तुम जब खामोश हो जाती हो ना तो तुम्हारी आंखें बोलती हैं। कभी किसी ने बताया नहीं तुम्हें? आपको आती हैं आंखें पढ़नी? सिर्फ तुम्हारी। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यू खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहे यार उसी वक्त फलक के पीछे जाना चाहिए था, उसे तसल्ली देनी चाहिए थी। वो मेरी खामोशी को मेरे रवैये को जाने क्या समझी होगी। मैं ऑफिस चला गया फौरन, उसी कॉल भी आई हूँ, मैंने कॉल रिसीव भी नहीं किए।
कॉल बैक तक नहीं किए। कुछ है ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर मुझसे छुपाया जा रहा है। वाकई में फलक कहीं चली गई है, मगर कहां जा सकती है? मुझे नहीं पता। अभी तुम्हारे आने से पहले मेरी बात किंजा से हुई है, उसने बताया। मगर वो जा कहां सकती है? मेरा मतलब है कि उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है और किसी को जानती भी नहीं है। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई की जिंदगी की परेशानियां खत्म होने को ही नहीं आ रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर अम्मा को पता चल गया वो तो दिल पर ही ले लेंगी। मुझसे ज्यादा फलों को चाहती है ना। मैंने जब तुम्हें कॉल की थी सोनिया, तो कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, फिर कॉल ड्रॉप हो गई। अम्मा, अम्मा थी ना। सुहेल, आजकल अम्मा बहुत तंग करने लगी हैं, हर वक्त मुझे पुकारती रहती हैं। समझा नहीं। वो यहाँ खुश नहीं है ना, एक पल को उन्हें सुकून नहीं है। क्यों? मगर वो कहती हैं कि मुझे पुराने मोहल्ले लेकर जाओ। वो इस डरबे में कैद नहीं रह सकती। असल में वहाँ सब लोग उनकी जान पहचान वाले थे, तो उनमें घुल मिलकर खुश रहती थी। मगर वो शोर शराबा, जैसे कुछ चीख रहा था। सात वालों के घर से होगा ना, अम्मा हर वक्त तो फ्लैट का दरवाजा खुला रखती हैं। सुहेल, एक बात मानेंगे, आप ना नई गाड़ी ले लें, और जो मेरी गाड़ी है वो तो बहुत छोटी सी है, और दूसरा उसका एसी भी ठीक काम नहीं करता। आप प्लीज मुझे नई गाड़ी ले दें, बड़ी वाली। सुनिए, आजकल जो हालात है ना, वो कुछ अजीब से हैं। मुश्किल होगी ये दो दो गाड़ियां रखना, बाद में देखेंगे। अच्छा, मेरे लिए सब कुछ बाद में क्यों? अगर किंजा फरमाइश करती ना तो उसे फौरन लेकर देते। बस सब कुछ मेरे लिए ही बाद में है। सोनिया, क्या हो गया है यार, इतना गुस्सा ना करो। मैंने इनकार तो नहीं किया है। मुझे पता है, मेरे लिए इनकार ही है। अच्छा, खाना खा लो। बस खा लिया मैंने खाना। हम घर में अकेली हैं, गाड़ी में वेट कर रही हूँ आज। आज हमारे दिन बदल गए। किसकी वजह से? मेरी वजह से, मेरी मेहनत और कुर्बानी की वजह से। और तुम फिर आ गई हम लोगों का खून चूसने। मैं तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई में हिस्सेदार नहीं बनने दूंगी। अरे होश में आओ सोनिया, ये क्या हाल फोल बके जा रही हो? ये बेचारी तो कुछ दिन के लिए कह रही है कि मुझे रहने दो, वो तुमसे कुछ छीनने थोड़ी आई है। पता है मुझे, मुझे पता है कि इसके शौहर ने इसको घर से निकाल दिया है। सीन खाला नहीं हूँ मैं जो तुम्हारी झूठी कहानियों पर यकीन करूंगी। सोनिया हूँ मैं, सोनिया,
एक बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। तुम मुझे बस एक रात अपने घर रुकने दो, फिर मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। मैं कहां जाऊंगी सोनिया? तोबा भाई तोबा, कौन सी ढीठ मट्टी की बनी हो तुम? समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या बोल रही हूँ? मैं तुम्हारी एक मिनट शक्ल नहीं देखना चाह रही और तुम पूरी रात रुकने की बात कर रही हो। अगर तुम ऐसे नहीं जाओगी ना, मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर तुम्हारे बालों से खींच कर तुम्हें बाहर निकालूंगी, फिर तुम समझोगी। पता नहीं मैंने घर छोड़ने वाला फैसला ठीक भी किया कि नहीं, लेकिन अब मैं वापस भी नहीं जा सकती। अगर जाऊंगी तो तैमूर को क्या बोलूंगी कि आधी रात को कहां से आ रही हूं? भाभी, क्या हुआ तैमूर? सब ठीक तो है? ठीक क्या करिए मेरे कमरे में? कल रात ये घर छोड़कर चली गई थी ना, सारी रात बाहर थी, क्या करिए यहां पे? फलक रात में ही घर वापस आ गई थी तैमूर। नसरीन खाला की तबीयत की खराबी का सुनकर गई थी, खाला इसे रात में घर छोड़कर गई और आपने इसे अंदर आने दे दिया, जबकि वही खाला ने कहा था कि उनके घर पे नहीं थी। मैंने तो कहा था इसकी खाला के साथ इसको वापस भेज दे, लेकिन नहीं, तुम्हारे भाई साहब को तो बहुत हमदर्दियां होती है ना गरीबों से, देख लो क्या हो रहा है। ये तो अपना रिश्ता सही से निभा नहीं सकी, दूसरे रिश्ते क्या निभाएगी? इसे तो खुद नहीं पता कि इसके रिश्ते का क्या अंजाम है। लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कहां? या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। आंखें देखो कैसे सो पड़े, ये दुनिया में वापस आ, कब तक अमल का इंतजार करते हो? नहीं आएगी। अमल, जहीन तुम्हें चीट कर रहा है यार, वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। शायद मेरी किस्मत में ये लिखा है कि मैं उसी को डिसाइड करती हूँ। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने आप को उसके पीछे? मिनाइल, अगर अमल से मोहब्बत करने की सजा बर्बादी है तो मुझे इस सजा वापस आई? जब मैं कमरे में आ रही थी तब तक तो वापस नहीं आई थी। नहीं आई थी? तुम इतने इत्मीनान से बैठी हुई हो? क्या मतलब? मैंने ठेका नहीं उठा रखा उसका, बच्ची नहीं है जो गुम जाएगी। अपनी नसरीन खाला के घर गई, हो सकता है उन्होंने रोक लिया। शहनाज बता रही थी कि काफी सामान लेकर गई है, अपनी खाला पर निछावर कर रही होगी। और तैमूर का? मुझे तो लग रहा है सो गया होगा। बात हो गई थी फलक से उसकी। क्या बात हुई? मुझे क्या पता सुहेल, दोनों मियां बीवी के आपस का मामला है, मैं क्यों पूछती फिर हूं? वैसे मूड कैसा था तैमूर का? मुझे तो कुछ परेशान से लग रहा था। वकार साहब भी आज ऑफिस आए थे हमारे, हमारी नई डील के पेपर्स बनवा कर लाए थे। कैसी नई डील? जैसा मेरे सीने पर बोझ था जो उतर गया।
कैसा बोझ? पहले की तरह इतने अरसे से यही चला आ रहा था कि हर डील में 80% का शेयर मेरा होता था और 20% तैमूर का होता था। जाहिर है आप कंपनी के मालिक हैं और तैमूर से पहले इस कंपनी को आपने ही तो चलाया। खिंसा ये ज्यादती है, तुम तो ये मत कहो। उस कंपनी को यहां तक पहुंचाने वाला तैमूर है, उसकी मेहनत है। तुम भी तो यही बार बार कहती रहती हो। और मैं तो उससे ये बात इतने अरसे से कह रहा था कि हर डील में हमारा हिस्सा बराबर का होना चाहिए। शुक्र है आज उसे मेरी बात समझ में आ गई और उसने वकील साहब से भी कह दिया कि वो पेपर्स तब्दील करा के लाए और अब आगे से जो भी डील होगी उसमें हम दोनों का शेयर बराबर का होगा। बल्कि कंपनी भी हम दोनों के नाम पर होगी। आज मैं बहुत खुश हूं किसान। क्या दिमाग खराब हो गया आपका? मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी और जिंदगी भर की मेहनत को आप इस तरह से जाया नहीं कर सकते। मैं मरकर भी ऐसा नहीं होने दूंगी। अल्लाह ये लड़की कहाँ रह गई? मैंने सोचा था कि शायद कमरे में कहीं लेटी होगी। फोन कर रही हूँ वो भी नहीं उठा रही। अल्लाह ही खैर करे। या अल्लाह खैर। समझता क्या है खुद को? छुपकर निकाह क्या कर लिया तो गुलाम बन गई हूँ मैं उसकी। कोई नौकर हूँ जो इस तरह घटिया तरीके से ट्रीट करेगा मुझे? अरे क्या हो गया सोनिया, कहाँ से आ रही हो और इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रही हो? बस खेल खत्म। दिल भर गया मेरा उस सुहेल से। अब बस मुझे जान छुड़ानी है उससे। कुछ नहीं है उस कंगले के पास। सब कुछ खत्म हो गया। जो कुछ था ना सब निकलवा चुकी हूँ मैं। अम्मा जिस शख्स के पास 60-70 लाख की गाड़ी देने के पैसे नहीं है मैं उसका चार डालूंगी। कुछ नहीं है उसके पास। कल ही जाकर सारे पेपर और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवाती हूँ और जान छुड़वाती हूँ उससे। अरे क्या पागल वागल हो गई है लड़की तू? शादी को समझ क्या रखा है? क्या गुड्डे गुड्डी का खेल है कि खेला और छोड़ दिया? पागल ही तो थी मैं जो उस कंगले नखट्टू से शादी कर ली थी मैंने। कसम से अम्मा कुछ नहीं है उसके पास। सब कुछ खत्म हो गया। गाड़ी खराब थी, वर्कशॉप पर बैठा था। मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि अब बस सब खत्म। अच्छा मुझे बता दे तेरी लड़ाई हुई है क्या सुहेल के साथ? लड़ाई तो अब शुरू होगी जब उसे पता चलेगा कि सोनिया का दिल भर गया उससे। अरे क्या हो गया सोनिया, सबर से काम लो। कितना सबर से चलूं? जुल्फी के लिए जो पैसे मांगे थे ना वो अभी पूरे नहीं दिए। जब मांगती हूँ ना तब टाल मटोल कर देता है। और गाड़ी, गाड़ी तो मेरा हक था ना, उस पर भी सबर करूं। हाड़ में गया सबर और जहन्नुम में गई शादी। नहीं रहना मुझे उसके साथ। अच्छा तो अब तो फिर क्या करेगी बता दो सही। खुला के पेपर्स तैयार करवाऊंगी वो भी इसी हफ्ते। फिर होश ठिकाने आएंगे उस सुहेल के। या अल्लाह ये लड़की क्या करने वाली है, कुछ समझ नहीं इसकी आती। ये खुद भी धक्के खाएगी और मुझे भी खिलाएगी। कहाँ जाएंगे, कुछ छत तक तो है नहीं हमारे सर पे। या अल्लाह रहम कर मेरे बच्चों पे, मेरे मालिक। पता नहीं ये लड़की क्या करने वाली है।
मुझे बहुत खुश किया है। इतने भी खुश ना हो, ये हाथ इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। जानता हूँ जानता हूँ, तुम्हें हासिल करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। खाला नहीं हूं मैं जो तुम्हारी झूठी कहानियों पर यकीन करूंगी। सोनिया हूं मैं, सोनिया, एक बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। तुम मुझे बस एक रात अपने घर रुकने दो, फिर मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। मैं कहां जाऊंगी सोनिया? तौबा भाई तौबा, कौन सी ढीठ मट्टी की बनी हो तुम? समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या बोल रही हूँ? मैं तुम्हारी एक मिनट शक्ल ही देखना चाह रही और तुम पूरी रात रुकने की बात कर रही हो। वाह भाई, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं जाओगी। गॉड को बुला के ना धक्के देकर बालों से पकड़ के तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी मैं। सॉरी, आपको लगी तो नहीं, वो दरअसल ड्राइवर की बेदेहानी की वजह से। अलग, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? Are you okay? अच्छा चलो, तुम गाड़ी में बैठो। तुम होश में तो हो? तुम जानती भी हो कि तुम उस तैमूर के लिए बात कर रही हो जिसको तुम अपना छोटा भाई मानती हो? मैंने सारी जिंदगी इसलिए मेहनत नहीं की सुहेल, क्या आखिर मैं आप सब कुछ उठाकर अपने भाई को दे दे? किंजा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। आज मैं तुम्हारा कोई और ही रूप देख रहा हूं। तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? तैमूर को बिजनेस में से 50% शेयर्स तो क्या 1% भी नहीं मिलेगा। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस को यहां तक पहुंचाने में मैंने अपना जेवर बेचा, मैंने अपना प्लॉट बेचा। किस लिए? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और रही बात तैमूर की मेहनत की ना, तैमूर ने आज तक जितनी मेहनत बिजनेस में की है उससे ज्यादा वो वसूल कर चुका है। जितनी अयाशियां उसने घर में देखी है, ऑफिस में देखी है, अगर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी भी करता ना, इतनी उसको तनख्वाह नहीं मिलती। कान खोलकर सुन लीजिए, तैमूर को बिजनेस में से कुछ भी नहीं मिलेगा। वकील साहब को फोन मिलाइए और मना कीजिए कि आज के बाद कोई भी नए डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे। और
रही बात कंपनी की ना, तो कंपनी ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ अली के नाम पर, बस। हमारा तैमूर से कुछ झगड़ा हुआ है किंजा? जो तुम इस तरह तेवर बदलकर तैमूर की मुखालफत कर रही हो। मैं थक चुकी हूं, बहरू बदलते बदलते। अब नहीं, अब बस। क्या क्या और नहीं? ठीक है, अगर तैमूर अपनी बीवी को तलाक देकर इस घर से निकाल देता है तो यहां रह सकता है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अपनी बीवी को लेकर यहां से खुद भी चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर वो अपनी बीवी के कहने पर इतना बड़ा कदम उठा सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर उसने अपनी बीवी के कहने पर यह कदम उठा लिया तो सुहेल, तैमूर को बिजनेस में से अब कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे वो कोर्ट चला जाए। करें वकील साहब से बात, चल जा रही है। करें बात और मना करें, मना करें उन्हें।